एकादशी का व्रत बड़े ही कड़ी नियमों के साथ किया जाता है व्रत की शुरुआत दसवीं तिथि के सूर्यास्त के बाद हो जाती है और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है कहते हैं एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब व्रत का पारण सही समय पर किया जाए एकादशी के व्रत में पारण का भी विशेष महत्व है अगर पारण सही समय और सही विधि से ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है पारण व्रत खोलने को कहते हैं शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही किया जाता है कहते हैं अगर पारण द्वादशी तिथि के बाद किया जाए तो व्यक्ति को पाप का भागीदार होना पड़ता है ज्योतिष के अनुसार अगर तिथि घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो भी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए इसके बाद ही हरिवासर में व्रत का पारण भूलकर भी ना करें बता दें कि हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई तिथि को कहा जाता है व्रत का पारण करने के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए हरिवासर में भूलकर भी व्रत का पारण ना करें एकादशी व्रत का नियम दसवीं से द्वादशी तक चलता है और द्वादशी को पारण के समय चावल जरूर खाना चाहिए तामसिक चीजों का पारण में भूल कर भी प्रयोग ना करें साल 2023 में अश्विन माह की इंदिरा एकादशी 10 दस अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को है पारण का समय रहेगा 11 अक्टूबर 2023 को सुबह छः बज के मिनट से सुबह आठ बज के मिनट तक पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 11 अक्टूबर को शाम को पाँच बज के मिनट पर आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जय श्री कृष्ण